गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, वेलकम इन कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। आप लोग का सब सभी का कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर में इंजीनियर रवि सर के साथ स्वागत है। तो आइए हम लेकर आए हैं क्लास 10th एडमिटिव प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 3 के साथ, और इसमें भी मजा आने वाला है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फर्स्ट टर्म्स कैसे पाया जाता है, एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट होता है, डी कैसे निकाला जाता है, ए एन टर्म कैसे निकाला जाता है। आज मैं इन सभी को बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ और बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और IIT JEE एस्पिरेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए तैयार हो जाइए और कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हमारा हर लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसीलिए इस पे माइंड कंसंट्रेट कीजिए और समझिए, ठीक है। तो इस तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को और आगे बढ़ाइए, और नए नए वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा और इससे लेकर मजेदार लेक्चर होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए पढ़िए और मजा आएगा, क्लियर है। तो चलिए, कहने का मतलब है एपी का आज फर्स्ट एपी का थर्ड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो हम मैं बोलने वाला हूं, देखिए फर्स्ट टर्म मैं सेकंड लेक्चर में बताया था लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस कैसे पाया जाता है, ठीक। फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तो सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है ये हमने बता चुका। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि इसका एक्सप्रेशन एन निकालने का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। यहां पर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। फर्स्ट टर्म ए वन बराबर, देखिए फर्स्ट टर्म ए वन है, ए वन माइनस वन जीरो होगा, तो ए प्लस जीरो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए माने हैं तो इधर कुछ नहीं आना चाहिए, तो वन में से वन घटाएंगे तो जीरो आएगा, इसलिए यहां पर वन माइनस वन लिखा गया है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकेंड टर्म ए टू, फर्स्ट टर्म ए वन निकल गया, सेकेंड टर्म ए टू, मैं देख रहा हूं कि ए है, ठीक है, दो में से एक घटाएंगे, ठीक है, और डी लिख देंगे, यानी कि ए प्लस डी हो जाएगा, पूरा क्लियर है। अच्छा, एक चीज, थर्ड टर्म निकालेंगे तो ए थ्री, ए है और थ्री में से एक घटाएंगे, थ्री में से एक घटाएंगे, थ्री में से एक घटाया डी, ओके। फोर्थ टर्म्स निकालना होगा तो ए तो रहेगा, अब फोर में से एक घटाएंगे, घटाए और डी से मल्टीप्लाई किया, और चलते चले जाएंगे और लास्ट में चलेंगे एंथ टर्म, ठीक है। एंथ टर्म ए एन बराबर, ए तो रहेगा और इसमें से एन नंबर ऑफ टर्म एन में से वन घटा लेते हैं, वन घटा लिए और डी से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो यहां भी माइनस वन होगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा एंथ टर्म पाने का मदर फॉर्मूला, ठीक है, इसी का यूज हम करेंगे अलग अलग एक्सप्रेशंस को निकालने में, बहुत ही मजेदार टॉपिक से, ठीक है, और NCERT में बहुत अच्छा तरीके से भी दिया गया है, और NCERT में इसके बेस्ट प्रॉब्लम्स दिया गया है, और RS अग्रवाल में भी दिया है, RD शर्मा, KC सिन्हा, जिस मैथ से सॉल्व करना है इस कॉन्सेप्ट से हर बुक का मैथ सॉल्व होगा, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए ये मदर फॉर्मूला है, ये क्या है, ए एन निकालने का मदर फॉर्मूला है, इसी से जितना फॉर्मूला निकलेगा ना इसी से बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए यहां पर ए एन बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला निकल गया ना। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला ए निकालना चाहते हैं, ए निकालना चाहते हैं ए एन, ठीक है, ये इस तरफ आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, और डी, ये हमारा ए निकलेगा। कब निकलेगा जी, ये भी तो क्वेश्चन है, कब निकलेगा, ठीक है, तो कब निकलेगा, इसके लिए यहां पर मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, जब ए इन दिया रहेगा, मतलब लास्ट टर्म दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, तो ए निकलेगा, क्लियर है। और एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो पूरे के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जब मान लेते हैं कि एन निकालना है, तो एन कैसे निकलेगा, देखिए ए एन में से इधर घटाएंगे तो माइनस हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहां है, यहां आएगा तो डिवाइड होगा, और माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये होगा। अब बात करते हैं, हमारा ए ए निकल गया, ए निकल गया, एन निकल गया, तो एक बचा है हमारा डी, तो डी भी तो निकालना पड़ेगा, और डी निकल जाएगा आराम से। देखिए यहां से डी, तो डी इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई एन माइनस वन, ठीक है, हमारा सच चीज निकल गया। और इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होगा, ओके, तो ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस पे हम मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बहुत अच्छा तरीके से, इसको याद रखिए, ठीक है, और मैं ये राइट साइड में रहने दूंगा, शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए एन निकालने का है ए प्लस एन माइनस वन डी, अब ए निकालना है तो इसी फॉर्मूला से सब ओरिजिनेट हुआ है, सब मदर फॉर्मूला, दिस इज मदर फॉर्मूला, सो इसलिए ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिमेम्बर, ठीक है, ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और एक तरीके से, और सिर्फ एक फॉर्मूला याद हो गया, बाकी फॉर्मूला को लिखना है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन है, इसी से फॉर्मूला बना है, इसीलिए दिस इज मदर फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी, और इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं, ताकि ये मैं एक्सप्लेनेशन कर सकूं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का एग्जांपल लिया, ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन वन है, 5.1 का ही होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत आसान तरीका है, ठीक, तो देखिए यहां पर दिया ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है, फर्स्ट में देखिएगा ए एन का फॉर्मूला क्या है, वहां वन, तो ए एन बराबर हमको निकालना है ना, देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेवन प्लस एन इक्वल टू एट, एट में से वन घटा दिया, अच्छा डी, डी इक्वल टू थ्री दिया है, देखिए सेवन प्लस एट में से वन जाएगा सेवन, और सेवन में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेवन प्लस 21 यानी कि ए एन हमारा आ गया 28 आंसर, ठीक है, तो 28 आंसर आ गया, तो ए एन बराबर 28 यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे ना, देखिए ए एन बराबर 28, तो दैट मींस यहां पर देखिए ग्रीन वाला से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हमारा आंसर बता रहा है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मैं जितना भी बता रहा हूं आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा, नो प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट, हर कंसेप्ट पावरफुल होगा और हर कंसेप्ट मैजिक होगा, ठीक है, इसीलिए इसको मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बारीकी से, और देखिए मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं इसका आंसर, ठीक है, तो ए एन बराबर हमारा आ गया है 28, देखिए यहां पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर, ठीक है, चलिए अब हम दूसरा का मैथ को सॉल्व करने जा रहा हूं, दूसरा मैथ, ठीक है, उसी फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला को लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला, अब एक चीज देखिए, अच्छा दो, दो में क्या है, ए दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, तो देखिए एन दिया है, ए एन दिया है, लेकिन डी नहीं दिया है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिए डी का फॉर्मूला ये होता है, तो ये लिख लेंगे, बहुत ही आसान है, वेरी इंटरेस्टिंग है, तो हम ए एन, ए एन हाउ मच, जीरो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं,
ए देखिए दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन सब सॉल्व करने जा रहा है अभी दूसरा, ठीक है। अब पहला हो गया, अब दूसरा को देखिए -18, तो यहां पर -18, ठीक है। और एन हाउ मच, 10 दिया हुआ है, चलिए 10 लिख दिया, -1 तो कहने का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 18 लिख देंगे और 10 में से 1 जाएगा 9 टू जा, तो यानी कि डी बराबर हमारा आ गया 2। देखिए तो हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ये हमारा 2 आ गया आंसर, ठीक है। हमने ज्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहा हूं मैं यही, और ये सब फॉर्मूला कहां से, ये मदर फॉर्मूला, यहां से ये सब फॉर्मूला ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो इसका भी हमने यहाँ पर आंसर लिख लिया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब हम आ रहे हैं थर्ड में, ठीक है। तो ये मिटाते जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया है ना, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अच्छा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड में ए ही नहीं लिया है, ओ कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आसान है। चलिए ए का फॉर्मूला लिखे हैं, ए एन देखिए ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए हम तीसरा का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, दूसरा का हो गया, अब तीसरा का पर टिक मार रहे हैं क्योंकि तीसरा का मैं सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो यहां पर डी है, ए एन पहले देखते हैं, ए एन माइनस फाइव, ओके चलिए माइनस फाइव हमने दे दिया, माइनस एन हाउ मच 18, चलिए 8 माइनस 1 लिख दिया, d माइनस 3 दिया हुआ है तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 माइनस 18 में से 1 जगह 7 इंटू माइनस 3, ठीक है। माइनस 5 माइनस 51, तो माइनस है ना, तो ये प्लस बदल जाएगा, ठीक है। ये तो इसका ये बड़ा है तो इसका साइन हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 46, यानी कि a बराबर हमारा कितना आएगा 46, यानी कि यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दिया 46, पूरा क्लियर है ना। ऐसे फॉर्मूला का इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी कीमत पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो मैथ बिल्कुल हर तरीके का ऐसा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इस थर्ड का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं फोर्थ, तो यहाँ पर हम अब मिटाते हैं और इसको हम फोर्थ में आते हैं। देखिए हमारा n नहीं दिया गया है, तो लीजिए फोर में n बराबर फॉर्मूला है ये, यानी कि ए एन माइनस ए बाई डी प्लस वन, क्लियर है। ए एन हाउ मच 3.6, ओके 3.6, ए हाउ मच माइनस 18.9, ओके, और D हाउ मच 2.5, यहां पर प्लस 1 दिया गया है, और 3.6 में लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस होती है 18.9 2.5 प्लस 1, ओके मैं इसको जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, 9 6 15 की 5, यानी कि 18 प्लस 3 21 और 1 22.5 प्लस 1, ठीक है। यहां पर सो नहीं आट रहा है तो खैर कोई बात नहीं, देखिए यहां पर डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, आप 25 नवा 225 यानी कि 9 प्लस 1 बराबर कितना है 10, यानी कि n बराबर हमारा आ गया है 10, ठीक है। तो n बराबर 10 आ गया है तो यहां पर 10 पुट कर दिए क्योंकि n इस फॉर्मूला से निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, ठीक है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स होता है ना तो कमेंट में करके बोल दीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम्स है, वहां पर रवि सर पहुंच जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल हर प्रॉब्लम का सलूशन रवि सर है, ठीक है। तो इसका इस प्रॉब्लम का सलूशन भी तो रवि सर ही होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया फोर कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जहां दिक्कत होगा आप लोग बोलते जाइएगा, ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। चलिए ये फोर का मसला सुधर गया, अब फाइव में मैं आता हूं। फाइव में कह रहा है क्या कि हमारा ए एन निकालना है, ए एन यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा, देखिए ए एन बराबर
a प्लस a माइनस 1 इनटू d। चलिए a बराबर कितना है 3.5, n बराबर हाउ मच 105 माइनस 1 और d इक्वल टू 0। ओहो चलिए 0 से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 0 दे देंगे, बिल्कुल। चलिए वेरी फाइन, सबको समझ में आ रही है ना? अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ए एन बराबर 3.5, तो ए एन यहां पर हमने वैल्यू पुट किया, पूरी के पूरी तरीके से मैथमेटिक्स का सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है। जितने भी ब्लू कलर्स के हैं वो हमारा आंसर लिखा हुआ है और अभी सॉल्यूशन किया हूं, घर पर जरूर प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ठीक है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एनसीईआरटी के एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक होगा, ओके ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए मैं ये बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आवाज तो जा रही होगी। आवाज तो जा रही है ना, पूरा क्लियर, केला ऑडिबल है, सबको सुनाई दे रही है ना, बहुत अच्छे तरीके से दे रही है, ओके वेरी फाइन। चलिए तो कहने का मतलब मिसिंग टर्म निकालना है, देखिए बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट दे रहा हूं। अच्छा एक चीज देखिए, ये है, ठीक है, एक है, एक चीज, एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, अगर ए है, ए है, बी है, इन एपी, ऐसा टर्म है, एपी में है, ठीक है, तो एटिमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे में एटिमेटिक मीन, एटिमेटिक मीन क्या होता है कि ए बराबर, ये दो साइड है ना, ये इसको दोनों को जोड़ देते हैं और दो से डिवाइड करेंगे, वो आंसर हो जाता है बीच का, ठीक है। तो इसको इसको हम जोड़ देंगे, पहला प्रोसेस है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ए ए बी अगर एपी में है, ठीक है, ए इज बिटवीन ए एंड बी, तो एथीमेटिक मीन क्या होगा, तो एथीमेटिक मीन ऐसे होगा, देखिए कैसे। तो अगर सेकंड में से इसको घटाते हैं ना, आप इसको इसको बी में से माइनस ए करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस, तो यहां देखिए ए ऊपर चल गया, ए इधर आ गया, कैपिटल है, तो बी प्लस ए हो जाएगा ना, तो टू ए हो गया, बी प्लस ए, तो ए बराबर ए प्लस बी बाई टू, इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात की बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला लिख दिया है ना, ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है एथीमेटिक मीन निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या बीच वाला निकालना है ना, 2 प्लस 26 बाई 2 यानी कि 28 बाई 2 यानी कि 40, यहाँ पर आंसर आ गया 40, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 14 आ गया। दूसरी चीज हम सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं, सेकेंड मेथड जैसे हमने पढ़ा है अभी, इसको मैंने पढ़ा है नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं देने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 में आएगा, लेक्चर नंबर ये 4 में मैं देने वाला हूँ, आज तो लेक्चर नंबर है 3, लेक्चर नंबर 4 में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैसे निकालना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी थर्ड लेक्चर चल रही है, फोर्थ लेक्चर में वही आने वाला है। चलिए तो यहां पर देखिए, इसको 2 है, ठीक है, ये तो खाली स्थान है, सेकेंड मेथड के मैं लेके जा रहा हूं, सेकेंड मेथड जा रहा है। तो यहां पर हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये ए वन हो गया ना, अच्छा ये ए हो गया, तो ये ए प्लस डी हो जाएगा और ये ए प्लस टू डी हो जाएगा, क्लियर है ना। तो हमको तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये थर्ड, ये तीसरा टर्म है और ये पहला टर्म है, ठीक है। तो इसको हम इसमें से इसको घटाते हैं, इसको से इसको घटाते हैं, तो बराबर आना चाहिए, तो यानी कि कम बराबर तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सटीक इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसको मान लिए ए, मान लिए एक्स, मान लिए ना, चलिए
एक्स मान लिए, तो इसका इसका जो अंतर करेंगे देखिएगा, इसके इसके जो डिफरेंस करेंगे x माइनस टू बराबर इसका इसका डिफरेंस करेंगे, तो इसमें से इसको कटाएंगे 26 माइनस एक्स, इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। ये x मान लिए, x में से इसको घटा लिए, जो डिफरेंस आएगा इसमें से इसको डिफरेंस एबी में है तो डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्लियर है ना। तो देखिए x x इधर आ गया तो 2x हो गया और ये इधर जाएगा 2x plus 2 28, यानी कि x बराबर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा 2 यानी कि 4, x is equal to 14 आ गया, ठीक है 14 आ गया। तो जस्ट मींस यहां भी 14 आया था ये मेथड, तो इससे ये मेथड इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो जैसा आप लोग को बनाने का मन करे उस मेथड से बनाइए, मैं प्रीफर करूंगा इस मेथड को जो आगे मैं लेक्चर 4 में पढ़ाने वाला हूं, तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है क्लियर है ना ये, ठीक। अच्छा चलिए अब और प्रोसेस है इसका, क्या है और प्रोसेस है, देखिए क्या प्रोसेस है, इसको थर्ड मेथड भी हम कह सकते हैं, सेकंड मेथड हो गया, थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड में क्या है, 1 2 3 फिर टर्म्स है ना, n बराबर 3 हो गया और a2 निकालना है ना, ठीक है कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कॉमन डिफरेंस ये हमारा एक थर्ड टर्म हो गया ना, एक थर्ड 26 और ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो ये सेकंड टर्म निकालना है, तो देखिएगा ध्यान से ये थर्ड टर्म क्या हो गया, a प्लस 3 है तो 2d हो गया ना 26, ये कितना है 2 ना, और 2d 26। अच्छा देखिए 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 बराबर कितना आया 24, तो d बराबर कितना आया 24 बाई 2 12, यानी कि d बराबर 12 आ गया, तो d बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख रहे हैं a प्लस d ना हो जाएगा जी, a कितना है 2 है और d कितना है 12, तो a प्लस d, तो यानी कि हमको a2 निकालना है ना, a प्लस d, a कितना है देखिए a2 ना है, आपका डिफरेंस कितना आया है 12, तो 12 तो यहाँ क्या आ गया 14, तो ये 14 आंसर आएगा। तो बहुत सारा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो तीन तरीका हमने बताया, आपको जो पसंद लगे वो सोल्यूशन, एक थर्ड में a बराबर 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, a फर्स्ट टर्म है तो a बराबर 2 मान लिए, थर्ड टर्म a 26 है, थर्ड टर्म a 3 बराबर a प्लस 2d लिखते हैं, ठीक है, और 26 a दिया हुआ है वैल्यू, यहां से d निकाल लिए, d हमारा आया 12, ठीक है 12 आया, तो a2 बराबर a प्लस d होता है, तो a है 2 और d आया है 12, तो 12 2 14 यहां जोड़ेंगे a2 बराबर 14, यहां भी 14 आया, तो दैट मींस ये आंसर हमारा सही। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड आप सीख रहे हैं, तीन मेथड, एक मैं तीन मेथड से बनाने के लिए सीख रहे हैं, बहुत आसान है, क्लियर है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके देखिए सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये इसमें बहुत सारा जो हार्ड लग रहा है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये मैं देख रहा हूँ क्या, लो ये लगातार है तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम में फंस जाने के लिए क्या हमारे पास, प्रॉब्लम में फंस जाने के लिए वीडियो देख रहे हो, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी तरीके का कैसा भी हार्ड प्रॉब्लम रहे ना, पीछे नहीं हटना, सामना करना है, फेस टू फेस वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम, से सॉल्व करना, क्लियर है। देखिए फोर बहुत थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी हार्ड है नहीं, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है। देखिए फोर है एक बॉक्स, ओ दो बॉक्स, अरे अरे तीन बॉक्स, ओ चार बॉक्स, कितना बॉक्स है यार, बहुत बड़ा बॉक्स रहने दो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। अच्छा चलिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना जी, और ये हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, अगर इतना है n बराबर कितना आया है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 है ना,
तो हमको यहां से डी का वैल्यू निकल जाएगा, और डी का वैल्यू निकलेगा आराम से वैल्यू पुट कर देंगे, मजा ही मजा है। देखिए कैसे, तो हम ए सिक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिक्स है ना, चलिए ए सिक्स बराबर ए प्लस फाइव डी लिखेंगे, फाइव डी सिक्स, ए कितना है माइनस फोर प्लस फाइव डी बराबर सिक्स, ये फोर उधर चल जाएगा, फाइव डी सिक्स प्लस फोर है ना, माइनस है थ्री पट जाएगा तो प्लस हो गया, ओके ना, अच्छा और डी इक्वल टू टेन बाई फाइव यानी कि टू, डी बराबर टू आ गया ना, अब क्या, अब क्या, अब हमारा बन गया। देखिए ये ए वन है, ये ए टू है ना जी, ए टू है, ए थ्री हुआ, ए फोर हुआ, ए फाइव हुआ, तो ए टू, ए टू बराबर क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी तो माइनस फोर, और डी टू माइनस टू, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस टू, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पर ए थ्री बराबर ए प्लस, तो ए को अब हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ए का वैल्यू इतना आया है, तो ए प्लस टू डी, टू डी बराबर टू आया, ठीक है, माइनस चार प्लस चार कट गया जीरो, ठीक है, ए थ्री बराबर हमारा आ गया जीरो, ए फोर आते हैं, ए फोर तो ए है माइनस फोर और थ्री डी है थ्री, और डी बराबर टू है, चलिए माइनस फोर प्लस सिक्स टू, ए फोर, ए फोर बराबर आ गया टू, ए थ्री बराबर जीरो आ गया, और ए फाइव, ए फाइव यहाँ पर कर देते हैं ए फाइव, तो ए ए ए ए बराबर कितना है माइनस फोर, अब प्लस फाइव है तो फोर डी है ना, तो फोर डी बराबर कितना है टू है, तो माइनस फोर प्लस एट कितना है फोर, ठीक है, तो यहाँ पर फोर। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है ना, बहुत ही, क्यों, क्योंकि देखिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम है घबराने की बात नहीं है, ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ठीक है, तो ए सिक्स हो गया ना, ठीक है, एन बराबर छ क्लियर है, ए वन बराबर ए इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, क्लियर है ना, चलिए तो इसको ए टू पहले हम बी निकाल दिए थे, इसकी हेल्प से ए सिक्स बराबर सिक्स दिया हुआ है, तो ए सिक्स बराबर ए प्लस फाइव बी होता है, ये किस फॉर्मूला से लिखते हैं, देखिए तो ये वाला जो लिखते हैं ए सिक्स बराबर ए फाइव बी, तो हम बताए ना कि ए एन बराबर ए तो होता ही है, एकदम फाइव एकदम होगा ही तो होगा फर्स्ट टर्म, और एन में से एक घटा देते हैं तब जाके डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो ए लिखेंगे ना, सिक्स में से एक घटाएंगे तो फाइव बचेगा ना डी, तो ए प्लस फाइव डी, ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, और डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, डी का वैल्यू हमने यहाँ से टू निकाल दिया है, और ए टू बराबर ए प्लस डी जानते हैं फॉर्मूला होता है, ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी हो गया, और ए फोर बराबर ए प्लस थ्री डी हो गया, ए फाइव प्लस ए प्लस फोर डी हो गया, तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आप लोग बनाइएगा, बहुत ही मजेदार है, और हमने बता दिया कि ए एन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एन कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकाला जाता है, और हर तरीके से फॉर्मेट को हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हार नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के साथ रवि सर है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, अब एक चीज, एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लीजिए लिखना पड़ेगा, चलिए हमने लिख लिया, आपको एच डब्ल्यू करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, और जहां दिक्कत होगा बोलना है कि सर यहाँ पर आप दिक्कत हो गया सर, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए देखिए अब कुछ मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें को मैंने बता दिया, ये एपी में दिया गया है, ये फाइंड करना है, इसमें टेन टर्म फाइंड आउट करना है, इसमें थर्टी टर्म फाइंड आउट करना है, इसमें इलेवन टर्म फाइंड आउट करना है, एक चीज मैं बताता हूँ, टर्म फाइंड आउट करने का तरीका, देखिए जैसे मैं कह दिया ना कि ए सिक्स, तो
सिक्स टर्म कहने का मतलब ना सिक्स टर्म, सिक्स टर्म कैसे मान लेते हैं सिक्स टर्म कह रहा है, तो ए सिक्स हो गया, ए सिक्स हो गया ठीक है। तो ए तो रहेगा फर्स्ट टर्म रहता है और सिक्स में से एक घट जाता है तो कितना हो गया फाइव डी। इस तरीके से मान लेते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा, मान लेते हैं कह रहा है इलेवेंथ टर्म ठीक है, पहले इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो इलेवेंथ टर्म कह रहा है यानी कि ए इलेवेंथ टर्म, तो ए इलेवेंथ टर्म्स को ए तो रहेगा अब प्लस इलेवन है ना, तो एक घटा देंगे, इलेवन में एक घटाएंगे तो टेन बचेगा, चलिए टेन डी, तो इसके बदले ए प्लस टेन डी लिख सकते हैं ठीक है। अब मान लेते हैं कहता है कि 35 टर्म, इतना टर्म, तो इतना टर्म दिया है ना, तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए 35, ए 35 यानी कि ए तो रहेगा और 35 में से वन घटा देंगे तो इतना हमको 14 डी हो जाएगा ठीक है। इस तरीके से हम हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए एक मैं कंसेप्ट दे रहा हूं ना, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ए सॉरी 14 टर्म, तो जैसे 14 टर्म कह रहा है ना, तो कहने का मतलब होता है कि ए 40, तो ए 40 है तो ए लिख सकते हैं और 14 में से 1 घटा देंगे तो 39 डी लिख सकते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे और मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेंगे ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, एक सिक्स टर्म्स को ए सिक्स लिख सकते हैं, ए प्लस फाइव डी, सिक्स है तो फाइव डी और इलेवन है तो टेन डी, एक घटा रहे हैं 35 है तो 34 डी और 40 है तो 39 डी, एक घटा रहे हैं लेकिन ए रहेगा क्योंकि एक ए ले रहा है तो एक घट जा रहा है ठीक है। तो पूरा कंप्लीट है ना, चलिए अब उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिर्फ मैं एक ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और एक माइनस वाला को मैं सॉल्व करूंगा। इसके बाद दिस विल बी होमवर्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अगर कोई 9th क्लास के भी है, अगर अच्छे तरीके से आता है तो आप बना सकते हो ठीक है। आगे बढ़ो और मजे करो, क्योंकि आगे बढ़ते रहोगे, पढ़ोगे ना तो आगे बढ़ते रहोगे, इसलिए मेरा हर लेक्चर ध्यान से सुनोगे, हर लेक्चर का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझोगे ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको आइए जी डिलीट हो जाइए आप। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है ये का कहता है तो आइए देखते हैं का कहता है। तो कहता है कि एपी में है, एपी में ये है तो हमको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म कैसे फाइंड आउट होगा, तो घबराने की बात नहीं है, हमारा फर्स्ट टर्म एपी में है ये है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एपी में है तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहां से काउंटिंग कर देना तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया था, ए बराबर 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस के लिए दो कंजुगेटिव टर्म्स लेते हैं ठीक है, इस टू कंजुगेटिव टर्म्स का हम ले लिए 2 और 7 को लिए, तो डी बराबर 7 में से 2 घटाते हैं, तो देखिए 7 में से 2 घटा दिए क्योंकि 2 लिए हैं, तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाते हैं ठीक है, 2 कंजुगेटिव टर्म्स लिखते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटा देते हैं, जो आता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ठीक है। तो डी बराबर 5 आ गया और ए बराबर 2 आ गया। एक टेंथ निकालना है ना, ए टेंथ निकालना है, लीजिए ए टेंथ निकालना है तो ए 10 है तो 90 हो जाएगा। चलिए ए बराबर 2 है 9 है और डी बराबर 5 है तो 2 प्लस 90, कैलकुलेशन बहुत धाकर होना चाहिए, धाकर बोले तो टहलका मचा देने वाला कैलकुलेशन होना चाहिए ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दया दृष्टि नहीं ठीक, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन फास्ट होता है तो हर कंपटीशन निकलेगा ठीक है, और मैं आप लोग के साथ हूँ ठीक है, इसलिए हर प्रॉब्लम को फेस करना है। यू विल हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच विल बी गिवन बाय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, ओके ना। चलिए यहां पर एक ये आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ठीक है। अब मैं इसको माइनस वाला को सॉल्व कर रहा हूं ठीक है, चलिए आइए माइनस वाला को सॉल्व कर रहा हूं, ये काफी खतरनाक लगता है
खतरनाक समझना नहीं है, ठीक है, खतरनाक समझ लिए तो ये मैथ आप पे अटैक कर देगा, इसलिए अटैक से बचे। क्या करना है जी, फाइंड इलेवेंथ टर्म, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, माइनस दे के घबराना नहीं, कहा जाता है ना, ठीक है, मोटा दे के हटना नहीं है, पतला दे के सटना नहीं है, क्योंकि बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, इसीलिए ये देखकर हटना नहीं है, ठीक, इसको सॉल्व करके हटना है। चलिए, ये पहला आया ना पहले, तो ए बराबर हमारा आ गया 3, फर्स्ट टर्म हमारा 3 आ गया, ठीक है। चलिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो का सिलेक्शन करते हैं, इसके इसका सिलेक्शन कर लिए, ये थोड़ा सा अलग लगता है, दोनों माइनस में है, प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसी को घटाते हैं। चलिए, डी बराबर राइट साइड में से घटाते हैं, तो -1/2 है ना, ये माइनस, चलिए -3 किए तो -1/2 +3 1 लिख सकते हैं। चलिए, 2 लिखिए, -1 +2 6, यानी कि 5/2 आ गया, हमारा डी आ गया 5/2। कैलकुलेशन मैंने पहले बोला था, बहुत फास्ट चाहिए, फास्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इंजीनियर रवि सर के साथ हो, और इंजीनियर रवि सर के साथ हो तो कैलकुलेशन तो फास्ट बनता है, इसलिए कैलकुलेशन फास्ट रखना है। चलिए, ये 11 है, तो हमने बोला है ये तो लिखेंगे 11 है तो 10 डी हो जाएगा, 10 डी, ए -3 और 10 डी बराबर 5/2, चलिए 5 काट दीजिए, ओके। चलिए, हम यहाँ पर -3 और 5/5 लिखा है, इसमें से इसको घटा लीजिए, ए 11 आ गया जी, 24 आया, सही घटा रहा हूं ना मैं, मिस्टेक क्यों हो जाता है। चलिए, 22 क्लियर है, A11 22, आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा, और इसी तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और मजे के साथ, और हर वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा, और लेक्चर 4 में इंटरेस्ट आने वाला है, और मैं जल्द ही वीडियो 4 लेकर आने वाला हूँ, एथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4, ठीक है, और इसलिए मैं अब आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि इस चैनल को आगे लेकर जाना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स, बाय।